हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखा है, समझा है अच्छे से, और हम यहाँ पे नेक्स्ट इसके आगे करेंगे, दैट इज अ कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोर यूजफुल देन द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आप सबको पता है बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें वैरायटी डेवलप होती है, दे हैव अपॉर्चुनिटी टू वेरिएशंस, क्योंकि अलग अलग इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है और उससे अलग अलग ऑर्गेनिज्म आते हैं. सम वेरिएशंस आर बेनिफिशियल ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है बेनिफिशियल होते हैं, कुछ वेरिएशन बेनिफिशियल होते. सो द ट्रेडिशनल मैथड इज यूज फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडिंग इज वेरी ऑफन दे आर इंक्लूड मल्टीप्लाई अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायर जीन. तो ट्रेडिशनल मैथड यूज करते थे पहले के लोग कि उसका पॉलिन उस पर छिड़क दिया और उससे ऑर्गेनिज्म बना लिया, बट अब ये ट्रेडिशनल मैथड ज्यादातर यूज नहीं होता है और इतना कामयाब भी नहीं है. तो इसलिए एक नया मेथड आया, दिस न्यू मेथड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, एंड दिस न्यू मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो, और उससे नए नए करेक्टर्स हम बनाते हैं. बेसिकली इस नया मेथड में क्या करते हैं कि हम जो है हम पीस ऑफ डीएनए को लेते हैं, लेट सपोज किसी ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से, और इस पीस ऑफ डीएनए को हम क्या करते हैं, इस पीस ऑफ डीएनए को हम किसी प्लाज्मिड के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं जो प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंड है. तो पीस ऑफ डीएनए जो होता है वो भी डीएनए है और प्लाज्मिड भी डीएनए है, एंड नाउ दिस ट्रांसफर इनटू द होस्ट. अब इसे हम होस्ट में डालेंगे तो हमारा जो भी डिजायर जीन है, वो भी मल्टीप्लाई होने लगेगा बहुत ही अच्छे से अलॉन्ग विद द प्लाज्मिड, बिकॉज प्लाज्मिड हैज रेप्लीकेट, क्योंकि डीएनए की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेप्लीकेट कर सके, है ना. तो उसके साथ साथ जो हमारा कंटेंट है, जो हमें चाहिए, वो भी रेप्लीकेट कर सकता है. सो द पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द एलियन डीएनए, दैट इज अ फॉरेन डीएनए, वुड नॉट बी एबल मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द ऑर्गेनिज्म. अगर हम डायरेक्टली इस पीस ऑफ डीएनए को होस्ट के अंदर डाल दें तो ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है. तो इसलिए इसको सबसे पहले हमें प्लाज्मिड के साथ डालना पड़ेगा, यानी प्लाज्मिड के साथ मिक्स करके तब हम इसे होस्ट के अंदर डालते हैं ताकि वो रिप्लिकेट कर सके और उसे कुछ नया ऑर्गेनिज्म बना सके. सो व्हाट व्हेन इट इनकॉर्पोरेट इनटू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेसिपिएंट, इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए. ये होस्ट डीएनए के साथ इनहेरिटेंस हो सकता है. सो बिकॉज द एलियन पीस ऑफ द डीएनए हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विच पोजेस द एबिलिटी टू रेप्लीकेट. और अगर हम एलियन डीएनए में डालेंगे, एलियन डीएनए को अगर प्लाज्मिड के साथ मिक्स करके डालेंगे तो होस्ट के अंदर बहुत ही अच्छे से रेप्लीकेट कर सकता है. सो देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन. आप प्लाज्मिड भी एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो इसके पास भी एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन. और जो भी हमारा एलियन डीएनए है उसके पास भी एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन. तो एक पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन से ही हम उसको यूज करते हैं. ऐसा नहीं कि किसी भी पॉइंट से आप डाल दो तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन इन विच द क्रोमोसोम दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लीकेशन. सो दस द एलियन डीएनए लिंक विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन एंड कैन रेप्लीकेट एंड मल्टीप्लाई इट सेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, राइट. तो अगर हम उस एलियन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ मिक्स कर दें और पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन के साथ मिक्स कर दें और तब हम होस्ट के अंदर डालेंगे तब वो होस्ट के अंदर रेप्लीकेट हो सकता है. बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि जो भी एलियन डीएनए है, ठीक है, लेट सपोज दिस इज एलियन डीएनए और इसे हमें प्रोडक्ट बनाना है, इसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, राइट. तो हमें प्रोडक्ट बनाने हैं तो ये कब कैसे हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब ये बहुत ज्यादा रेप्लीकेट करे, होस्ट के अंदर आके बहुत ज्यादा रेप्लीकेट करे, तभी हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, अदरवाइज हमें प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा. तो हमारा जो मेन मकसद है कि छोटे से पीस से एक बड़ा प्रोडक्ट बनाना, एक छोटे से पीस से एक इतना बड़ा प्रोडक्ट बनाना जिससे हम पूरे इंडिया में उस दवाई को, उस मेडिसिन को, उस हार्मोन को या उस वैक्सीन को यूज कर सके. बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अहम रोल है हमारे मेडिकल साइंस में, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू दैट्स प्रोवाइडिंग द हार्मोन, इट प्रोवाइडिंग द वैक्सीन, प्रोवाइडिंग द मेडिसिन.
So does the alien DNA link with the origin of replication and can replicate and multiply itself in a host organism. And this is also called a cloning because multiply ho raha hai to ise cloning kahenge and forming by the multiple identical copy of any template DNA. So this is how the recombinant DNA procedure will be take place. So now we are talking about the plasmid. Plasmid ke baare mein charcha karte hain ki plasmid kya hai, kaise kaam karta hai. ध्यान दीजिएगा तो प्लाज्मिड बेसिकली क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर रहता है. बेसिकली प्लाज्मिड का जो घर है वो क्या है, बैक्टीरिया के अंदर है. तो प्लाज्मिड इज बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है और इस बैक्टीरिया के अंदर जहां पे न्यूक्लियस होता है, लेट सपोज यहां पे न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के पास ही प्लाज्मिड होता है. ऐसा समझिए जैसे आपकी जैसे संगत होगी वैसे ही आपके अंदर विचार और थॉट आएंगे. लेट सपोज कि अगर मान लीजिए आप ऐसे आपके पास दोस्त हैं जो कि काफी ज्यादा पढ़ते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, इधर उधर घूमने नहीं जाते हैं, मूवी देखने नहीं जाते हैं, टिकटॉक पे वीडियो नहीं बनाते हैं और टिकटॉक को देखते भी नहीं है और खाली पढ़ते ही हैं, तो आपके अंदर भी वो विचार डेवलप हो जाएगा. आपको भी लगेगा कि यस मुझे पढ़ना चाहिए. ठीक वैसे ही यहाँ पे प्लाज्मिड होता है. प्लाज्मिड जो है न्यूक्लियस के पास रहता है, उसका पड़ोसी है. और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस हैविंग द डीएनए, न्यूक्लियस के पास डीएनए है जो कि रेप्लिकेट करता है. रेप्लिकेट का मतलब कि डीएनए से एक नया डीएनए आ जाना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. तो ठीक वैसे ही ये सीख जाता है, प्लाज्मिड भी सीख जाता है. जैसे डीएनए के पास एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सके, है ना, रेप्लिकेट कर सके और मतलब कि मल्टीप्लाई हो सके कहीं पे भी, ऐसे ही प्लाज्मिड भी उस प्रोसेस को सीख जाता है. ये संगति का असर है एक्चुअली. तो ऐसे ही संगति, इसलिए हमारी संगति और जो हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए वो काफी अच्छे होने चाहिए ताकि हम कुछ अच्छा चीजों को सीख पाए. तो इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर पार्ट. तो प्लाज्मिड देख रहे हैं, इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा है. तो इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब कि अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है. सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर पार्ट मतलब गोल सा पार्ट होता है, ठीक है. विच अंडरगो सेल्फ रेप्लिकेटिंग व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल. यानी अगर हम इस प्लाज्मिड को उठा के इस बैक्टीरिया से लेके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, लेट सपोज होस्ट के अंदर अगर हम डालते हैं, सो उस होस्ट के अंदर वो रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब अपना नंबर बढ़ा सकता है. दैट इज जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे, दैट इज ट्रांसफरेबल करेंगे, सो दैट कैन बी रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. और नीट में यही क्वेश्चन आया था. ये बहुत ही आसान है और मतलब इसे याद करने की भी जरूरत नहीं. आपको पता है कि जैसे डीएनए के अंदर पावर होती है रेप्लिकेशन की, वैसे ही प्लाज्मिड के अंदर पावर होती है रेप्लिकेशन की. इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, इट्स सो सिंपल, इट इज फैक्ट. सो स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर दो साइंटिस्ट थे, दोनों काफी दमदार और बेहतर साइंटिस्ट. स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर भाई साहब दोनों थे. इन 1972 बाय द आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इन्होंने एक जीन को आइसोलेट किया और इस जीन का नाम था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. अभी के नाम से पता चल रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यानी एंटीबायोटिक को एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा, ऐसा समझ लीजिए. रेजिस्टेंस लग गया तो उसका असर नहीं होगा, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दैट इज उसका असर नहीं होगा बाय कटिंग आउट द पीस ऑफ डीएनए बाय द प्लाज्मिड एंड विच वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. देखिए ये लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग है बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. तो बहुत ही आसान है बेसिकली. तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं इसमें कि इसमें हम ये चाहते हैं कि ये कैसे हो पाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक कैसे हो पाता है. तो ये पूरे चैप्टर का एक क्लू है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है और पूरे चैप्टर का एक क्लू है. अगर आपको ये खासकर ये डायग्राम अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो चैप्टर का 80% पार्ट आप खुद ही अपने आप ही समझ जाएंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कमाल का है. ध्यान दीजिएगा, बेसिकली हम चाहते हैं कि हम इंसुलिन बनाना चाहते हैं, राइट. अब इंसुलिन बनाना क्यों चाहते हैं, इंसुलिन बनाना इसलिए चाहते हैं कि हम अपने देश में जितने भी नागरिक हैं जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं उनको हम ठीक कर सकें.
आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है एक डायबिटिक कंट्री है, दे आर लॉट ऑफ पीपल विच इज सफर फ्रॉम द डायबिटीज। आप अगर घर में जाएं और चार में से, अगर ऐसा समझिए कि पांच में से एक घर या दो घर में पक्का डायबिटीज वाले पेशेंट मिलेंगे आपको, ठीक है। सो डायबिटिक कंट्री है हमारा, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए, ताकि उन्हें हम मरने से बचा सकें और है ना उन्हें जो है ट्रीट अच्छे से कर सकें। तो वी हैव अ रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन की जरूरत है। अब लेट सपोज कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, और मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को यूज किया और मैंने लेट सपोज 5 kg इंसुलिन बनाया, राइट। तो मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले जितने भी लोग हैं उनको ही ठीक कर पाऊंगा, बट आप सोचिए कि भारतवर्ष में कितने स्टेट हैं, उड़ीसा है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, देन लॉट ऑफ स्टेट जहां पे पेशेंट है। तो हमें 5 के बजाय कम से कम 500 किलो अगर इंसुलिन मिल जाएगा, तब शायद हम सोच सकते हैं कि पूरा जितने भी इंडिया के लोग हैं उनको हम ट्रीट कर सकें। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है 5 को 500 में भी कन्वर्ट कर सकता है, ये इतना बेहतर टेक्निक है। ध्यान दीजिएगा कि लेट सपोज कि हमने इस, ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड निकाल लिया। प्लाज्मिड देख रहे हैं काफी सुंदर, गोल, खूबसूरत, पिंक कलर का है। सो द दिस प्लाज्मिड इज रिमूव, दिस प्लाज्मिड इज रिमूव बाय द एंजाइम, द पुटिंग द एंजाइम ओवर द बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के ऊपर अगर जैसे ही हमने एंजाइम डाला, खासकर हम लाइसोजाइम डालते हैं, और जैसे ही डालेंगे तो प्लाज्मिड बाहर निकल जाएगा। तो प्लाज्मिड बाहर निकल गया, साइंटिस्ट रिमूव द प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरियम, बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया, राइट। और ये लेट सपोज ये सेल है, और मान लीजिए कि ये बीटा सेल है, लेट सपोज दिस इज अ बीटा सेल, और इस बीटा सेल से हमने एक डीएनए को आइडेंटिफाई किया जो कि इंसुलिन बना रहा था, राइट। सो हमने इस डीएनए को आइडेंटिफाई किया कि जो कि इंसुलिन बना रहा था, तो उस सेल से, उस बीटा सेल से हमने इंसुलिन के डीएनए को निकाला, और इधर से बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड को निकाल लिया। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, बट ये इतना आसान नहीं है, दे रिक्वायर्ड 6 और इवन 2 और मोर एंड 5 ईयर्स, बहुत ही ईयर टेकिंग है और काफी इसमें टाइम लग सकता है। अब हमारे पास एक और एंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीज एंजाइम, हम आगे इस चैप्टर में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीज एंजाइम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड के ऊपर डालेंगे और इस डीएनए के ऊपर डालेंगे। तो जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीज एंजाइम डालेंगे तो प्लाज्मिड जो है एक बीच से कट गया और यहां से भी डीएनए भी कट गया। तो लेट सपोज कुछ डीएनए इस प्रकार दिखेगा, कटने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में देखेंगे। नाउ दिस पीस ऑफ द डीएनए इज मिक्स विद द दिस गैप बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम से देखिए यहां पे जोड़ दिया। सो दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और यू कैन से दिस इज अ वैक्टर डीएनए, इसे हम वैक्टर डीएनए कहेंगे। एंड दिस वैक्टर डीएनए इज नाउ रेडी फॉर द ट्रांसफर द होस्ट। तो इसको हम होस्ट के अंदर डाल देंगे, होस्ट बेसिकली हमारा इकोलाई बैक्टीरिया होता है, और होस्ट के अंदर ये रेप्लिकेट होना स्टार्ट कर देगा। तो अलोंग विद द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड अगर रेप्लिकेट हो रहा, तो इसके साथ साथ जो हमारा प्रोडक्ट है, जो ये हमारा डीएनए है, और ये डीएनए आपको पता है कि ये इंसुलिन को कोड कर रहा था, ये भी रेप्लिकेट होगा। तो एक छोटे से पीस से हमने बहुत सारे पीस बना लिए, और इस चैप्टर में हम आगे भी पढ़ेंगे कि देयर इज अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड बायो रिएक्टर, और जिसके वजह से एक छोटा, लेट सपोज आपके पास आधा किलो का इंसुलिन है, 1 kg इंसुलिन है, तो उसको बायो रिएक्टर्स के मदद से हम उसको काफी टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। सो देयर आर द 3 बेसिक स्टेप इन अ जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म 3 बेसिक स्टेप है जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को कर सकते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर जीन। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा डिजायर जीन क्या है, हमें क्या चाहिए, कौन सा एंजाइम चाहिए, कौन सा लाइक हार्मोन चाहिए, कौन सा क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको डिजायर जीन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो डिजायर जीन को सेलेक्ट सबसे पहले करना है, राइट। दूसरी चीज ये है इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट।
तो अगर हमने डिजायर जीन को सिलेक्ट कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, उसको होस्ट के अंदर डालेंगे, है ना, होस्ट के अंदर डालेंगे ताकि होस्ट उसे रेप्लिकेट कर सके, अपना नंबर बढ़ा सके. एंड द मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर इनटू द होस्ट इनटू द प्रोजेनी. और फिर हम उसको मेंटेन करके देखेंगे कि होस्ट के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मल्टीप्लाई कर सके, बेहतर तरीके से हर चीजों को मल्टीप्लाई कर सके, है ना, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हम बना सके. तो ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ प्लाज्मिड. ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड. प्लाज्मिड का फीचर नहीं है. इट इज अ ट्रांसफरेबल, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर. जो भी क्वेश्चन होता है इसी स्लाइड से आएगा, इसलिए हर एक लाइन, हर एक स्लाइड को आपको आना चाहिए. जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली यही था कि जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड जो होता है एक तो ट्रांसफरेबल होता है, मतलब किसी चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, रेप्लिकेट हो सकता है, सर्कुलर होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है. एग्जैक्टली यही क्वेश्चन यहां पे था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फीचर ऑफ द प्लाज्मिड. तो यस, इट इज अ ट्रांसफरेबल, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेटेड, सर्कुलर स्ट्रक्चर, बट यस देयर इज अ नो सिंगल स्ट्रैंड, इट इज अ डबल स्ट्रैंड. तो द रॉन्ग आंसर इज सिंगल स्ट्रैंड. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक. टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक इस चैप्टर का ऐसा समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक समझ में आ गया तो समझिए कि इस चैप्टर का सारा चीज समझ में आ गया. तो जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक समझना बहुत ही जरूरी. सो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक. डीएनए टेक्निक का क्या टूल्स है उसके बारे में हम बात करते हैं. सो द की टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक और जेनेटिक इंजीनियरिंग इज व्हाट. सो फर्स्ट वी हैव रिक्वायर्ड अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत पड़ेगी हमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में. एंड जो दूसरा है दैट इज कॉल्ड लाइगेज एंजाइम. तो लाइगेज एंजाइम की हमें जरूरत पड़ेगी. थर्ड हमें टूल्स की जरूरत है, दैट इज पॉलीमरेज एंजाइम और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी. और फोर्थ वी हैव रिक्वायर्ड अ वेक्टर, वेक्टर. और पांचवा जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म. यानी हमें करीब पांच चीजों की जरूरत होगी जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द सेकेंड वन इज लाइगेज, थर्ड वन इज अ पॉलीमरेज एंजाइम और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, फोर्थ इज अ वेक्टर एंड फिफ्थ इज अ होस्ट. तो फर्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है मॉलिकुलर सीजर. ये मॉलिक्यूल्स को काटता है कैंची, ठीक है, मॉलिकुलर सीजर. और ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं कि इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम क्या है. तो यस, इट इज अ मॉलिकुलर सीजर. व्हाई इट इज कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर, बिकॉज इट कट द मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स को काटता है कैंची की तरह. सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज कॉल्ड आरई belong to the large class of enzyme that is called nuclease. तो nuclease एक बड़ा वो है पार्ट है, उसके अंदर एक छोटा पार्ट that is restriction enzyme आता है. तो nucleases के अंदर हमारे restriction enzyme होते हैं. So nucleases जो होता है, nucleases के अंदर हमारे restriction endonuclease enzyme आते हैं. और restriction endonuclease का काम जो होता है वो काटना होता है. सो जो न्यूक्लियस है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसके दो पार्ट होते हैं. वन इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस, अदर इज कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस. तो जो एक्सोन्यूक्लियस होता है इसमें क्या होता है कि जो डीएनए है, डीएनए के पेरिफेरी से काटता है, डीएनए को किनारे से काटता है. तो एक्सोन्यूक्लियस एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो डीएनए को पेरिफरी से काटता है, किनारे से काटता है. लेट सपोज यहां पे किनारे पे मुझे ऐसा कुछ स्ट्रेंड है या ऐसा कुछ चीज है जो कि हमारे लिए काफी जरूरी है और उसको हमें लेना है, तो हम क्या यूज करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस यूज करेंगे ताकि किनारे से काट दे हमें. सो दे रिमूव अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, वाइल द एंडोन्यूक्लियस जो होता है बीच से काटता है, ठीक है, बीच से काटता है. सो दे मेक अ कट एट द स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए, स्पेसिफिक पोजिशन से डीएनए को काट देता है. सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ मेनी बैक्टीरिया
वेयर दे फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. बेसिकली हमने इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहां से लिया है, बैक्टीरिया से ऑप्टेन किया, राइट. तो उस बैक्टीरिया के अंदर जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है, ठीक है. बट हम अगर बाहर निकाल दें तो मॉलिकुलर सीजर बन जाएगा, काटने का काम करेगा, ठीक है. सो दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज प्रेजेंट मेनली इन बैक्टीरिया वेयर दे फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम. दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, कि कुछ चीज को रेस्ट्रिक्ट करेगा कि आने नहीं देगा उसका. लेट सपोज कि मान लीजिए कि बैक्टीरिया के ऊपर वायरस ने अटैक किया या इस बैक्टीरिया के ऊपर अदर बैक्टीरिया ने अटैक किया, तो इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करेगा, एक रेस्ट्रिक्शन की तरह यूज करेगा. रेस्ट्रिक्शन है, आने नहीं देगा. ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पापा बहुत ही ऐसे समझिए कि आपके पापा जो है काफी वो है कि दूसरे को फ्रेंड को आने नहीं देते हैं, गेम उनके सामने नहीं खेल सकते हो, टीवी नहीं चला सकते हो, तो काफी स्ट्रिक्ट हैं. यस, स्ट्रिक्ट हैं. तो वो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन करते हैं कि देखो तुमको टीवी नहीं देखना है, गेम नहीं खेलना है, पबजी नहीं खेलना है, टिकटॉक नहीं देखना है, और तुम्हारे फ्रेंड भी आएंगे नहीं. तो दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन. तो ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर ये जो एंजाइम है, जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक रेस्ट्रिक्शन की तरह काम करता है ताकि ये बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया इसके अंदर आ ना सके, दूसरा वायरस ना आ सके, दूसरा पैथोजन ना आ सके, ताकि ये बैक्टीरिया बहुत ही सेफ रहे. जैसे आपको पापा और मम्मी आपको सेफ बनाते हैं, बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बट आप क्या करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, बाकी सारा काम करते हो. सो द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ द सिस्टम वॉज एक्सप्लेन बाय द फर्स्ट बाय द आर्वर. और इस जो मॉलिकुलर बेसिस है इस पूरी सिस्टम का, और पूरी सिस्टम का मतलब बैक्टीरिया के अंदर ये सब चीज क्या क्या हो रहा है, ये आर्बर ने सबसे पहले देखा था, समझा था. और आर्बर, नेथन और स्मिथ, ये तीनों दोस्त थे. आर्बर, नेथन और स्मिथ तीनों ने क्या किया, एक बेहतर तरीके से इस मॉलिकुलर बेसिस को एनालाइज किया, बैक्टीरिया को पढ़ा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को देखा, और उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डेवलप कर दिया. सो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टू सिस्टम, वन इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड अनदर इज कॉल्ड मॉडिफिकेशनल एंजाइम. तो दे हैव अ टू एंजाइम, वन इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड अनदर इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन एंजाइम, जो मॉडिफाई करते हैं. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब ये है, दे आइडेंटिफाई द इंट्रोड्यूस इन द फॉरेन डीएनए. इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या करते हैं कि हम, एक काम ये होता है कि आइडेंटिफाई करता है और इंट्रोड्यूस करने में मदद करता है. आइडेंटिफाई द इंट्रोड्यूस द फॉरेन डीएनए एंड कट इनटू द डीएनए इनटू द पीसेस. बेसिकली आप ऐसा समझिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम ये है कि इस फॉरेन डीएनए को, जो भी कोई भी डीएनए आएगा उसको कट कर देगा, काट देगा. द टू एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड. यानी इस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी बैक्टीरियोफेज भी ग्रोथ नहीं करेगा. बैक्टीरियोफेज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है. सो दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज. तो अगर मान लीजिए कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा तो बैक्टीरियोफेज का भी ग्रोथ नहीं हो सकता है. बट सारे ई कोलाई के अंदर जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है, सारे ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होते हैं. तो जो एर्बर, नेथन और रेस्मिन ने देखा कि यार कोई कोई बैक्टीरिया के ऊपर तो बैक्टीरियोफेज का असर ही नहीं पड़ रहा है, मतलब ये बैक्टीरियोफेज एक ऐसा दमदार वायरस है जो बैक्टीरिया को बिल्कुल पूरी तरीके से तहस नहस कर सकता है, पूरी तरीके से खा सकता है. बट यार ये कौन सा ई कोलाई बैक्टीरिया जो बिल्कुल खराब ही नहीं हो पा रहा है, उसको डिजीज ही नहीं हो पा रहा है. तो उस ई कोलाई को अर्बर, नेथन और रेस्मिन ने देखा और ढूंढा कि भाई इसके अंदर क्या चीज है. तो उसके अंदर क्या मिला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला. सो उन्होंने वहां से आइसोलेट किया. सो वन ऑफ दिस एडेड मिथाइल ग्रुप ऑफ द डीएनए वाइल द अदर इज कट द डीएनए. तो कुछ ऐड करते हैं, कुछ कट कर देते हैं, अलग अलग टाइप के यहां पे एंजाइम है. बट द की पॉइंट ओवर हियर इज दिस वन, कि कुछ कुछ ई कोलाई के अंदर हमें रेस्ट्रिक्शन चीज मिला जो उसके अंदर बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ ही नहीं हुआ, एंड दे आइसोलेट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. व्हाट इज अ मॉडिफिकेशन एंजाइम, दे ऐड अ मिथाइल ग्रुप टू द वन और टू बेसिस.
यूजली विद इन द सिक्वेंस रिकोगनाइज बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज। तो मॉडिफिकेशन एंजाइम जो होता है, मॉडिफिकेशन जो एंजाइम होता है वो क्या करता है कि कुछ डीएनए को ऐड करता है, उसके बेस में ऐड करता है ताकि बेहतर हो सके, बेहतर हो सके, राइट। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर बाय अर्बर, नेथन एंड स्मिथ, तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बहुत ही बेहतर तरीके से डिस्कवर किया, जाना, समझा। मोस्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिंथेसाइज इनसाइड द बैक्टीरिया, खासकर इकोलाई बैक्टीरिया। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम इज द हिंट सेकेंड, तो हिंट सेकेंड इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज डिस्कवर बाय अर्बर, नेथन एंड स्मिथ। मोस्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिंथेसाइज इनसाइड द बैक्टीरिया एंड द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज द हिंट सेकेंड। So now we are talking about the type of restriction endonuclease enzyme, and the first type is called ECORI. ECORI, they are obtained from the E. coli bacteria, that is Escherichia coli. और ये कहाँ पे recognize करता है? G और E, guanine और adenine के बीच को पहचानता है सिर्फ। तो guanine और adenine को ही पहचानता है और किसी को ये पहचानने से इनकार कर देगा कि नहीं मैं नहीं पहचान रहा। तो ये सिर्फ ग्वानिन और एडेनिन के बीच में, लेट सपोज कि ये डीएनए है, ऐसे समझिए डीएनए है, यहाँ पे ग्वानिन है और एडेनिन है, और मुझे ये वाला स्ट्रैंड चाहिए, यही वाला स्ट्रैंड चाहिए ताकि मैं आगे इसको यूज कर सकूं। तो ग्वानिन और एडेनिन के बीच में जो स्ट्रैंड मुझे चाहिए, तो उस समय मैं ECORI टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालूंगा ताकि मुझे ये वाला स्ट्रैंड मिल जाए, ये वाला स्ट्रैंड मुझे मिल जाए। सो दे रिकॉग्नाइज ग्वानिन एंड एडेनिन सीक्वेंस, यहाँ पे भी ग्वानिन और एडेनिन, यहाँ पे ग्वानिन एंड एडेनिन, एंड दे प्रोड्यूस अ स्टिकी एंड। बाद में हम समझेंगे ये स्टिकी एंड और ब्लंट एंड क्या होता है। सो दूसरा जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड बाम एच आई, आपको ये सब एंजाइम के नाम पता होना चाहिए कि ECORI कहां रिकॉग्नाइज करता है। बाम एच आई इज ऑप्टेंड फ्रॉम द बेसिलस अमाइलो लिक्विफेसेंस, they recognize G and G, guanine और guanine। Let's suppose ये DNA sequence और यहाँ पे guanine और guanine है, और मुझे सिर्फ यही sequence चाहिए जो guanine और guanine sequence, guanine और guanine के बीच में है, तो BAM HI को यूज करूंगा। ये भी स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करते हैं, बाद में समझेंगे स्टिकी एंड क्या होता है। समा फर्स्ट, एस एम ए फर्स्ट, दे आर ऑप्टेन फ्रॉम सेरिटियाना एंड दे रिकोगनाइज सी और जी, ठीक है, सी और जी साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में रिकोगनाइज करता है। और हिंट सेकेंड, आपको पता है कि इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम विच रिकोगनाइज द स्पेसिफिक सिक्वेंस ऑफ द सिक्स बेस पेयर, हर एक बेस पेयर को रिकोगनाइज कर सकता है और हर बेस पेयर को काट सकता है। सो मैं अनअकैडमी पे भी लाइव पढ़ाता हूँ, अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इस लिंक के नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा। एक रेफरल कोड होता है, दैट इज डॉक्टर Drsksingh, हर वर्ड स्मॉल लेटर विदाउट एनी गैप, उस रेफरल कोड को अगर आप एडमिशन लेते समय अच्छे से यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा और फ्री में आपका टेस्ट सीरीज मिलेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप मेरे से पूरा थॉरली पढ़ना चाहते हैं, बैच में आना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।